सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का सरकार मानदेय कब दोगुना करेगी, जिसको लेकर के बिहार राज्य की आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में सम्मानजनक मानदेय वृद्धि करने का वादा किया था, सेम वैसे ही बिहार राज्य में 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी प्रण पत्र में मानदेय को दोगुना करने का वादा किया था। लेकिन अब 2023 धीरे धीरे जाने को है और तेजस्वी यादव जी ने अपना वो वादा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को दोगुना करने का निभाया नहीं है, जिसको लेकर के बिहार राज्य में एक ये आर्टिकल प्रकाशित हो रहा है कि सेविका सहायिका का मानदेय दोगुना कर देंगे और नीचे लिखा गया कि हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। यानी साफ शब्दों में एक तरह से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का यहां पर जो है जो भी कहना था, जो भी उन्होंने वादे किए उनको पूरा ना करते हुए समय के साथ समय निकलते जाने के एवज में बहनों की ये एक नाराजगी है कि हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। यानी तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो नहीं किया, 2020 में कहा, 2023 जाने को है और इतने लंबे समय के बाद भी तेजस्वी यादव ने अभी तक आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय दोगुना करना मुनासिब नहीं समझा। वहीं बिहार में अन्य तरह की भी बातें निकल के आती हैं जिनको लेकर के भी बहनें अपनी चिंता व्यक्त करती हैं और साथ ही साथ वो अब जल्द ही धरनों पर भी दिखाई देंगी। ऐसे ही यूपी का भी आलम बना हुआ है, मानदेय दुगुना करने के नाम पर कई बार चर्चाओं में सरकार रही लेकिन वो चीजें लागू नहीं हो पाई और उसके लिए कितने प्रयास किए गए हैं वो भी आप सबसे छिपे नहीं है। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प, ये जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य से है। यहां पर अखबार में एक आर्टिकल आया है कि प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री जो कि हैं बेबी रानी मौर्य, इन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का जो कायाकल्प होगा और वहां स्वच्छ पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं की जाएंगी। महिला कल्याण मंत्री सोमवार को यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित जिला कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी और उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान और पंचायती राज विभाग इनके सहयोग से सभी जिलों के जो डीएम हैं और जो सीडीओ हैं इनके नेतृत्व में स्वच्छता और पोषण सेवाओं का सुधार किया जाए और प्रदेश में 189,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती व स्तनपान करने वाली माताओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब इतने आंगनबाड़ी सेंटर हैं लेकिन इतनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी कार्यकर्ता तैनात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में सेंटर खाली चल रहे हैं और एक लंबे अरसे से चल रहे हैं, विभाग जो है भर्तियाँ कराने में भी सक्षम नजर नहीं आ रही। जैसे ही विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से 2017 से आज 2023 हो चुका है और आंगनबाड़ी बहनों को फाइनल जो प्रमोशन के तहत तैनातियां मिलनी थी वो अभी भी कहीं कहीं नहीं दिखी और उसके अलावा ना ही मानक के अनुसार जो है प्रमोशन कराए गए, नियम विरुद्ध चीजें हुई हैं। अभी 2600 कुछ पदों पर जो सीधी भर्तियां निकाली गई 2022 में, तो उसमें भी आप सबने देखा कि किस तरीके से वहां पर एक बड़ी मात्रा में सीधी भर्ती तो निकली लेकिन उतने ही पद प्रमोशन से नहीं भरे गए, जबकि 2017 में जो भरे गए वो 300-400 के अंदर ही रह गए, जबकि ज्यादा होने चाहिए थे। अगर 2600 पदों पर सीधी भर्तियां आ सकती हैं तो फिर वहां पर भी जो सीधी भर्तियों के लिए पद निकलने थे और सीधी भर्ती से पहले प्रमोशन के पदों को भरा जाना चाहिए और ये आंकड़े 50-50% के होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं, मानक के विपरीत चीजें हुई। अगर इन चीजों को लेकर के कोई कोर्ट गया होता और लड़ा होता तो शायद अभी ये सीधी भर्तियां भी खटाई में पड़ी होती। खैर, जो है जैसा है कड़वा सत्य है। ममता जी गाजीपुर से, इन्होंने अपने यहां से एक मैटर भेजा, उत्तर प्रदेश का आलम आप देख रहे हैं, गाजीपुर जनपद में आंगनबाड़ी बहन को
जो खराब दलिया, जो खराब दाल है, जो पुष्टाहार है, वो पहुंचा दिया गया। अब बहन ने इस संबंधित लिखा भी है। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं गाजीपुर जिले के भदौरा ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम ममता गुप्ता है। आज दिनांक 21 सितंबर को मुझे परियोजना से खाद्यान्न प्राप्त हुआ जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका है। यह खाद्यान्न 25 अगस्त को परियोजना के गोदाम में आ चुका था। सी डीपीओ सर अरुण कुमार दुबे जिन्होंने खाद्यान्न को रोक दिया था, जिसकी वजह से पूरा खाद्यान्न खराब हो चुका है। शिकायत करने पर परियोजना से कहा जाता है कि खाद्यान्न को बेच दीजिए। आप सभी बताएं भैया, हम सब बहनें क्या करें। अब बेच देने का मतलब क्या है? क्या वो लिखित में अधिकारी दे पाएंगे कि इस खाद्यान्न को बेच दीजिए? क्या खाद्यान्न बेचने के लिए सरकार ने दिया है तो बेच देंगे? तो जो भी जिन्होंने कहा है, क्या इसका साक्ष्य आपके पास है बहन? अगर है तो आप भेजें, और अगर नहीं है तो आपका ये कहना फिर बेकार है। तो कुल मिलाकर के साक्ष्यों को रखो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नियम के जो है साथ में है और क्या नियम के विरुद्ध है, इन चीजों की परख आप सबको हो चुकी है। तो आप भी इन चीजों को समझती हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग चीजें ऑल इंडिया को भेजा करें और साक्ष्यों सहित भेजा करें, ताकि जमकर के यहां से लताड़ लग पाए। और इस तरह से जो घटिया पुष्टाहार है, उसको लेकर के जो अलग अलग तरह की बातें आप कह रही हैं, निकल के आ रही हैं, उनको भी हर कोई देख पाए और आगे इस तरह की घटनाएं ना घटें। अब ये सब दाल आप देख रहे हैं, सब सड़ी हुई है, एकदम खराब, काली हो गई है, फफूंद जैसा भी नजर आ रहा, यानी बिल्कुल खराब है, पूरी तरह से खाने योग्य नहीं है। अब यही दाल और चावल जो सब आता है राशन, वो सरकार कहती है पौष्टिक आहारों से भरपूर है, लेकिन यहां पर आप इसकी पौष्टिकता गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहां पर किस तरीके से खराब दाल पहुंचाई जा रही है, जब अधिकारियों को पता चल जाए कि ये खाने पीने की सामग्री राशन कच्चा खराब हो चुका है, तो उसका वितरण वहीं से रोक देना चाहिए। लेकिन यहां पर उसको जबरदस्ती वितरण करवाना, ये गलत है और नियम के विरुद्ध है। और लाभार्थी इसको नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो क्या करेंगे? जिनके लिए दिया जा रहा है वो चीजें सार्थक नहीं होंगी। तो अब ऐसे में आप सब तो बेहतर जानते ही हैं, कमेंट बॉक्स में इन बहन के लिए कोई सलाह दे देना। ऑल इंडिया ने तो बहुत बार दी है, मेरी सलाह है वितरण ना करें, फोटो भेजें। आपके विभागीय अधिकारियों में सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ, अगर कोई नहीं मानते इन चीजों को, तो आप डीएम से इसकी शिकायत करें। 10 मिनट में जो है आपका सब कुछ हो जाएगा, बस आप डीएम कार्यालय तक पहुंचे और वहां तक ये दिखा पाए। बस उसके बाद तुरंत वहां से फोन जाएगा डीपीओ महोदय को, और तुरंत आपके वहां पर सुपरवाइजर के थ्रू आपको आ जाएगा, वितरण रोक दो, नया माल आ जाएगा। समझ रहे हैं हमारी चीजों को भाई? ये कहां रखा रखा खराब हुआ, उसकी जांच हो जाएगी, वो पकड़े जाएंगे, और तो और कई चीजों को लेकर के वो चीजें होंगी। आप सब क्या करें, जब भी रिसीव करें, जब भी किसी तरह के इस तरह के मामले में राशन को, तो उसी रिसीविंग की डेट डालें कि आज मैंने रिसीव किया। ऐसा ना हो पहले की डेट डाल करके आपको थमा दे, और उसमें आप देखें ही ना क्या डेट पड़ी है, फिर बाद में अधिकारी कह दे मैंने तो दे दिया था, कार्यकर्ता ने वितरण ही नहीं किया, और ये देखो रिसीविंग की डेट। तो समझ रहे, कदमों को फूंक फूंक करके रखे। जितना मैं बारीकी से आपको जो है हर एक तरह से चीजों को समझाता हूं, शायद ही आप उतना सोचते हो या फिर उनको जीवन में अप्लाई करते हो। आगे चलते हैं और बताते हैं। तो हमारी सलाह है वहां के परियोजना अधिकारियों को, सुपरवाइजर को, और जनपद के सीडीपीओ डीपीओ महोदय को, कृपया इस पर संज्ञान लें, और इस तरह की जो भी दाल खराब वाली पहुंची है उसको रोक करके नया पहुंचाया जाए, ताकि इस तरह का अगर लाभार्थी खाएगा कल को कुछ होगा तो दिक्कत है, और वैसे भी नहीं खाएगा तो ये इस तरह का मामला सामने आया है। अमरचंद्र जी हैं और ये मथुरा जनपद से आते हैं। इन्होंने एक बहुत ही जरूरी काम की खबर भेजी है। मैं हमेशा कहता रहता हूं वीडियो को पूरा देख करके जाएं। आज मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में जो भी मामले होते हैं, या यूं कहें कि जो भी न्यायालय में मामले हैं, उनको लेकर के हमारे विभाग की तरफ से जो लोगों की एक तरह से नोडल अधिकारियों की एक टीम बनी थी, उसमें उनके स्थानांतरण के बाद में अब नए जो है नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। अब ये उन चीजों के प्रति अपना चीज देखेंगे, तो आइए समझाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन से एक ये लेटर 22 अगस्त को, यानी पिछले महीने जारी हुआ था,
जिसमें लिखा गया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में लंबित वादों के प्रभावी पैरवी किए जाने के लिए नोडल अधिकारी नामित करने विषयक प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी अनुश्रवण प्रकोष्ठ न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 2 और साथ ही साथ यहाँ पर 23/6/23 एवं पत्र संख्या 7/7/23 इसके क्रम में बाल विकास पुष्टाहार विभाग से संबंधित वादों में प्रभावी पैरवी के लिए नामित नोडल अधिकारी श्रीमती संदीप कौर विशेष सचिव बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन के स्थानांतरण के फलस्वरूप अब उनके स्थान पर श्री महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण भी निम्नवत है। श्री महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव बाल विकास पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन कार्यालय बापू भवन द्वितीय तल स्थित कक्ष संख्या 226। इस तरह से उनका पूरा एड्रेस दिया गया। क्यों दिया गया? न्यायालय में जो भी बाल विकास से रिलेटेड केस आते हैं उन केसों में विभाग की तरफ से जो पैरवी की जाएगी वो इनकी तरफ से अब की जाएगी, इनको उसके लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही देखिए, जिला जो जालौन है वहां पर जिलाधिकारी महोदय ने 21 सितंबर को कल एक लेटर जारी किया, जन सुनवाई समाधान प्रणाली IGRS के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा है। लिखा क्या गया वो सुनिए कि यहाँ पर IGRS पोर्टल पर चिन्हित 235 शिकायत श्रेणियों में निस्तारणकर्ता अधिकारी के स्तर पर हो रही कठिनाई के दृष्टिगत निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि में अपेक्षित वृद्धि कर दी गई है एवं अप्रासंगिक शिकायत श्रेणियों को पोर्टल से हटा दिया गया है। शिकायत श्रेणी के मैपिंग का अधिकार विभागों को से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की PMU को दे दिया गया है और PMU द्वारा विभागों से समन्वय स्थापित करके प्रस्ताव प्राप्त करके सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके मैपिंग में उचित संशोधन और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। L1 अधिकारी से उच्च अन्य स्तर पर अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से IGRS प्रणाली से आख्या अपलोड अनुमोदन आपत्ति श्रेणीकरण इन सब की कार्रवाई की जाएगी और IGRS पोर्टल से संबंधित व्यवस्था कर दी गई है या व्यवस्था 1 दिसंबर 2023 से अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के चीजें आप जो देख रहे हैं ये जुड़ी हैं, जो भी IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतें जाती हैं ना ऑनलाइन, उन्हीं से रिलेटेड ये मैटर है। राजेश कुमार पांडे जिलाधिकारी जालौन से उन्होंने भी अपने वहां एक लेटर जारी किया, संगीता बहन जालौन से उन्होंने ऑल इंडिया को भेजा। और दोस्तों आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में जल्द ही आप सबको फिर मिलते हैं।